अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम अली फ़कीर की माड़ी पर आए हुए हैं। अली फ़कीर का शुमार टांग के बेहतरीन कबूतर बाज़ों में होता है। टांग वैसे तो एक छोटा सा पसमानदा ज़िला है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े और अच्छे कबूतर बाज पाए जाते हैं। टांग की कबूतरबाजी में आशिक उस्ताद का नाम सर फहरिस्त आता है। आज अली फ़कीर के साथ शेरी शाह भी मौजूद हैं और शेरी शाह को बहुत से लोग जानते हैं कबूतरबाजी में। शेरी शाह का शुमार भी आशिक उस्ताद के अच्छे शागिर्दों में होता है। अली उस्ताद की छत थोड़ी छोटी है, लेकिन अभी इसको बड़ा किया जा रहा है। लेकिन अली उस्ताद का कहना है कि आपको इंशाल्लाह मेरी बेहतरीन कबूतरबाजी देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि अली उस्ताद के कबूतर कैसे बने हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। और मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अली फ़कीर के कबूतरों ने मोशन पकड़ लिया है और हरीफ के कबूतरों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माशाल्लाह अली फ़कीर के कबूतर बेहतरीन परवाज़ उड़ते हुए। अली फ़कीर का कहना है कि कबूतरों के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर ये इस तरह बनते हैं। अच्छे कबूतरबाजों को परवाज़ से ही पता चल जाता है कि कबूतर किस तरह हैं। माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़। और जो नए कबूतरबाज हैं उनको ऐसे उस्तादों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अली फ़कीर से जब हम अपने कबूतरों के परवाज के बारे में पूछते हैं, या जब हम पूछते हैं कि आपके कबूतर ऐसे कैसे बने, आप इनको क्या चीज़ खिलाते हैं, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, तो अली फ़कीर का कहना है कि ये चीज़ें वीडियो में नहीं बताई जाती, क्योंकि ये वीडियो हमारे हरीफ भी देख रहे होते हैं, तो अपना नुस्खा किसी हरीफ को देना कैसा होता है। अली फ़कीर और शेरी शाह का कहना है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे राब्ता करते रहते हैं, पंजाब में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होती है कि जो दोस्त हमसे कमेंट्स में इन उस्तादों के नंबर मांगते हैं तो हम उनको उनका नंबर भी देते हैं, वो खुद उनसे रابطہ करके पूछ सकते हैं। अभी अली फ़कीर के कबूतर और हरीफ के कबूतर तकरीबन आमने सामने आ चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अली फ़कीर और हरीफ के कबूतर आमने सामने आ चुके हैं और ये लग गए, आपस में लग गए। अली फ़कीर ने अपने कबूतरों को रोह दे दिया है और उसको भेज रहे हैं अपने हरीफ का कबूतरों के साथ। आप खुद देखें, वाह जी वाह, खूबसूरत अंदाज। अभी अली फ़कीर अपने कबूतरों को बिठाना चाहते हैं ताकि कबूतर पकड़ सके। छः सात कबूतर पहले ही निकल गए हैं और ये बाकी कुछ छः सात कबूतर और भी जा रहे हैं। बहुत से कबूतर बाकी हैं। कुछ कबूतर और भी चले गए। हरीफ के तीन कबूतर अभी भी अली फ़कीर के कबूतरों में शामिल हैं। Oh, 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 oh
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Huh?